बलूचिस्तान जिसे पाकिस्तान का रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा होने का एजाज हासिल है, कुदरत के अता करदा बेश कीमत मादनी जखायर से मालामाल है। बलूचिस्तान का जनूबी हिस्सा इस हवाले से खासा अहमियत का हामिल है कि ये तहजीबी रचाओ, सकाफती खुशरंगियों और कुदरत की फयाजियों का मोबोलता सबूत है। जनूबी बलूचिस्तान का जिला चागी पाकिस्तान के साथ साथ आलमी सतह पर उस वक्त मंजर आम पर आया जब यहाँ की पहाड़ियों में पाकिस्तान ने एटमी तजुर्बात करके पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की। दालबंदीन चागी का जिले सदर मकाम है। दालबंदीन की जोग्राफियाई अहमियत इस हवाले से भी मुसल्लमा है कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन अहम तरीन सरहदी इलाका तसव्वुर किया जाता है। मुआशरती हम आहंगी के बेहतरीन नमूने के तौर पर आज भी यहाँ बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी आजादाना अपने मामूलात जिंदगी सर अंजाम देती नजर आती है। दालबंदीन से चागी की तरफ आते हुए रास्ते में वो मशहूर पहाड़ आता है जो देखने में कश्ती से मुशाबहत रखता है। आमतौर पर पहाड़ों के सिरे नोकीले होते हैं, लेकिन इस पहाड़ का बालाई हिस्सा हैरतअंगेज तौर पर हमवार है। तहसील चागी से 27 किलोमीटर के फासले पर वाके नूर वहाब वो जगह है जहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहदें आपस में मिलती हैं। नूर वहाब के रास्ते में ही टिंक कोह नामी इलाका आता है जो एक बहुत मशहूर पहाड़ी के नाम से मंसूब है। टिंक कोह पहाड़ का नजारा मबहूत कर देने वाला है। तफ्तान बॉर्डर से 30 किलोमीटर के फासले पर गठ बैरोथ वाके है। इसकी खासियत यह है कि ये एक बुलंदी पर वाके किले से मुशाबहत रखता पहाड़ है जिसका नजारा देखने वालों को शहर में मुब्तिला कर देता है। जिला चागी की तहसील नौकंडी के शुमाल में 30 किलोमीटर के फासले पर वाके कोह सुल्तान को खामोश आतिश फिशां भी कहा जाता है। ये पहाड़ी मारूफ सूफी बुजुर्ग पीर सुल्तान के नाम से मौसूम है। इस इलाके में मुख्तलिफ किस्म की मादनियात पाई जाती हैं जिनमें गंधक सबसे काबिल जिक्र है। जिला चागी रकबे के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। यही वजह है कि आपको हर तरफ वसी और अरीज खुले मैदान और सहराई इलाके नजर आएंगे। कोहे सुल्तान से अफगान बॉर्डर तक फैला हुआ गरीबो डेजर्ट अपनी सुनहरी रेत के बायस न सिर्फ इंतहाई जाज़िबे नजर है बल्कि इसके ऊंचे नीचे टीले अजीब सहर अंगेज नजारा पेश करते हैं। मौसमियाती तगैर व तब्दील के बायस ये रेतीले टीले अपनी शक्ल बदलते रहते हैं।
सोने और तांबे के वसी जखायर से दुनिया भर की तवज्जो हासिल करने वाला रेकोडिक जिला चागी का एक कस्बा है। पाकिस्तानी और अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वेस के मुताबिक यहाँ तांबे और सोने के दुनिया के पांचवें बड़े जखायर होने की तस्दीक की गई है। ১৯৭৮ में पहली बार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ सोने और तांबे के जखायर दरियाफ्त किए थे। माइनिंग के जरिए सोने और तांबे के जखायर निकालने और इनसे बहरामंद होने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर के माहिरीन इस पर काम कर रहे हैं। ईरान बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए इंतहाई दीदाज़े पहाड़ देखने को मिलते हैं, जिन्हें कोहे दलील के नाम से जाना जाता है। ये इंतहाई खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला साउथ बलूचिस्तान की सयाहती सरगर्मियों में इंतहाई काबिले जिक्र हैसियत रखता है। ये शाहरा, जिसे ताफ्तान रोड या लंदन रोड भी कहा जाता है, उस पर आगे जाकर ताफ्तान सिटी आता है। ताफ्तान एक तारीखी शहर होने के साथ साथ ईरान पाकिस्तान का कानूनी बॉर्डर होने के बायस खासी शोहरत रखता है। ये बॉर्डर ईरान पाकिस्तान के आपस में तिजारती और मुआशी, सफारती और सकाफती रवाबित को तकवियत देने में अहम किरदार का हामिल है। कारोबारी अफराद, सयाह और मजहबी जायरीन इस रास्ते के जरिए ईरान और इराक का सफर इख्तियार करते हैं। इन जायरीन और सयाहों की हिफाजत और उनके सफर को पुरसुकून बनाने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अहलकारान हम वक्त मुस्तैद रहते हैं। इनकी अनथक मेहनत की बदौलत मुसाफिरान बिला खौफ व खतर इस शाहरा पर महवे सफर रहते हैं। ताफ्तान से एक रोड सेंडिक कस्बे की जानिब आता है। सेंडिक लोहे, तांबे और सोने के वसी मादनी जखायर से मालामाल कस्बा है। ১৯৬৪ से यहाँ माइनिंग का आगाज हुआ। ১৯৯১ में चाइना मीट्रियोलॉजिकल कॉरपोरेशन से बाकायदा मुआहिदा करके इसे ये काम सौंपा गया। कुछ वजूहात की बिना पर यह काम रोक दिया गया, जबकि सन 2001 में एमसीसी ने दोबारा 10 साल के लिए इस काम के लिए हुकूमत पाकिस्तान से मुआहिदा कर लिया। सेंडिक से रोजाना की बुनियाद पर 62 टन तांबा, 160 टन चांदी और 110 ग्राम सोना निकाला जा रहा है। सेंडिक और रेकोडिक मंसूबों पर काम करने वाले पाकिस्तानी और गैर मुल्की माहिरीन और कारकुनान की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस और एफसी के अहलकारान ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इसके साथ साथ इन मंसूबों पर काम करने वाले अहलकारान में अक्सरियत मकामी लोगों की है, जो इन मंसूबों से मुआशी और मुआशरती तौर पर फैजयाब हो रहे हैं। सेंडिक से 10 किलोमीटर के फासले पर सेंडिक झील का नजारा खुशगवार हैरत में मुब्तिला कर देता है। काले पहाड़ों के बीच फिरोजी रंग के पानी की झील
रंगों की हमाहंगी को देखने वालों के लिए खुशकुन तजुर्बा बना देती है। यहां से आगे पाकिस्तान का वो तारीखी मकाम है जिसे एंशियन रूट में कलीदी मकाम हासिल था। रबात वो तारीखी इलाका है जहां तीन ममालिक की सरहदें यकजा होती हैं। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों को मिलाने वाला इलाका रबात, रबात फोर्ट की वजह से भी शोहरत का हामिल है, जिसे 1903 में अंग्रेज जनरल डायर ने मकामी मजाहमतकारों से बचने के लिए तामीर करवाया था। यह कला आजकल एफसी के जेरे इस्तेमाल है, जो इस जगह से न सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत का फरीजा सर अंजाम देते हैं बल्कि इलाके में अमन अमान कायम रखने के लिए इसे मरकजी दफ्तर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। एफसी के जवान इंतहाई जमा मर्दी और बुलंद हौसलगी से वतन अजीज की सरहदों की हिफाजत के साथ साथ इन इलाकों में अमन व अमान कायम रखने के लिए रात दिन मसरूफ अमल रहते हैं। सख्त तरीन हालात, अमन व अमान की कशीदा सूरत हाल, घरों से तवील अरसा दूरी जैसे मसाइल से नबर्दाजमा होना और नाकाफी सहूलियात के बावजूद ये अहलकारान तंदही से अपने फराइज सर अंजाम देकर हकीकी मुहब्बे वतन होने का सबूत देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, एफसी बलूचिस्तान जिंदाबाद। यही हमारे अनसंग हीरोज हैं। तकबीर अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, एफसी बलूचिस्तान जिंदाबाद। कारान बलूचिस्तान का एक और तारीखी शहर है जिसे कलों का शहर भी कहा जाता है। कारान के फरमारवा आजाद खान नौशेरवानी ने जंगी हिकमत अमली और हिफाजत की गर्ज से छोटे बड़े 9 किले तामीर करवाए, जिनमें मरकजी किले को किलाए कारान के नाम से जाना जाता है, जो शहर के ऐन वस्त में ईरानी तर्ज पर मिट्टी से बनाया गया एक शानदार किला है। कारान तहजीबी, सकाफती और तारीखी हवालों से एक मुनफरद इलाका है। इसकी तारीखी हैसियत इसकी सकाफती अहमियत की आयनादार है। वाशुक कुदरती नजारों से भरपूर जनूबी मगरबी बलूचिस्तान का एक तारीखी शहर है। ये शहर खजूरों के बुलंदो बाला दरख्तों और सहराए वाशिक के दिल मोह लेने वाले नजारों के बायस खास शोहरत रखता है। यहां मौजूद वाशुक शहर को बसाने वाले मालिक दीनार का मजार और उनकी किले की बाकियात इस दौर के तर्ज तामीर के अक्कास हैं। सहराए वाशुक डेजर्ट सफारी, पैराग्लाइडिंग और जीप रैलीज के लिए एक शानदार कुदरती मकाम है। बलूचिस्तान का अकीदत और एहतराम का मरकज समझा जाने वाला इलाका पंजगूर, यहां मदफून 5 सहाबियाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बायस पंजगूर कहलाता है। खजूरों के हरे भरे बागात और सरसब्ज और शादाब तफरीही मकामात भी पंजगूर को सयाहों के लिए नेमत खास बनाते हैं।
आलमी सतह पर पाकिस्तान के मस्बत तासुर और पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल का जामिन सिकंदर आजम के दौर से आबाद गवादर तारीखी शहर है। कई सदियों से मुख्तलिफ सकाफतों का गहवारा रहने वाले इस साहली शहर की किस्मत आज बदल चुकी है। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी आलमी मयार के मुताबिक आने वाले सालों की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए इस शहर की आबादकारी के लिए प्लानिंग कर रही है। गवादर की साहली पट्टी दीदाजेब नजारों से भरी पड़ी है। चीन और पाकिस्तान मिलकर गवादर को आलमी सियाहती और तजारती मरकज बनाने के लिए कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। जनूबी बलूचिस्तान अपने तारीखी अहम हवालों, शानदार नजारों, मादनी दौलत के खजीनों, अपनी मुआशरत और सकाफत के हवाले से पाकिस्तान के शानदार माजी और मुस्तकबिल का एक अहम हवाला है। यहाँ के लोगों के रिवायती पहनावे, रिवायती खाने और कल्चरल सरगर्मियां सयाहों को इन इलाकों का गर्विदा बनाते हैं। इन इलाकों की खूबसूरती और कशिश को एक बार डिस्कवर करने की जरूरत है। इसके बाद जनूबी बलूचिस्तान के ये इलाके आपको अपना दीवाना बना लेंगे।